होटल ड्राइविंग 24 में चल रहे शिव महापुराण में घर में पूजा के विधान की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सनातन धर्म और देवताओं के विषय में भक्तों को बताया गया। इस अवसर पर कथाव्यास राधेश्याम व्यास ने घर में पूजा के विधि विधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में 5 देवता होते हैं। ये मूर्ति और पिंड दोनों ही स्वरूपों में विद्वान होते हैं। उन्होंने बताया कि पहले देवता शिव भोलेनाथ हैं। इनका शिव स्वरूप मूर्ति रूप है और शिवलिंग पिंड रूप में माना गया है। माँ भगवती को द्वितीय रूप माना गया है। अष्टभुजाधारी को मूर्ति रूप और वैष्णव देवी भवन में स्थित पिंडों को माँ भगवती का पिंड स्वरूप कहा गया है। उन्होंने देवता के तृतीय स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान गणेश को देवता का तीसरा स्वरूप माना गया है। इसमें सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति रूप में आराधना होती है। पूजन के दौरान ब्राह्मण सुपारी पर कलावा लपेटकर जिसकी पूजा कराते हैं वो भगवान गणेश का पिंड स्वरूप है। देवताओं के चतुर्थ स्वरूप भगवान विष्णु को मनाया गया है। इसमें नारायण को मूर्ति रूप और शालिग्राम में पिंड स्वरूप के दर्शन होते हैं। कथा व्यास ने देवताओं का पंचम स्वरूप सूर्य देव को बताया है। उन्होंने कहा कि आकाश में हम जिनके दर्शन करते हैं वो सूर्य देव का पिंड स्वरूप है। 12 घोड़े वाले रथ पर सवार सूर्य देव का रूप ही मूर्ति रूप है। उन्होंने बताया कि हमें घर की पूजा में इन 5 देवताओं को विराजमान रखना चाहिए। इनके साथ हम अपने इष्ट देव और गुरु को भी पूजा में रखते हैं। इस अवसर पर उन्होंने माँ पार्वती द्वारा भोलेनाथ को भांग घोट कर पिलाने का प्रसंग सुनाकर भक्तिभाव से सभी को सराबोर कर दिया। भजन के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। इस दौरान भक्त झूमने लगे। अंत में आरती के बाद भंडारा का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदीप शुक्ला, ममता शुक्ला, राहुल देव शर्मा, मनोज चौधरी, अंकुर, सुनील आदि का सहयोग रहा।